So guys, good morning to all of you and welcome. This is the second day we are in Gokarna. Welcome back to a new vlog. तो गाइस मन तो नहीं हो रहा यहाँ से उठ के कहीं भी जाने का, पर जाना पड़ेगा क्योंकि आज हमारी ट्रिप का प्लान है गोकर्णा टेम्पल जाना है, गोकर्णा बीच जाना है जिसकी वजह से इस जगह का नाम गोकर्णा है, और फिर फाइनली अगर टाइम बचता है तो पैराडाइज बीच जाएंगे। तो देखो सबसे हाईएस्ट वेव जो अभी तक का आया है वो यहाँ तक नहीं आया है, चलो चलते हैं रूम की तरफ गाइस। तो गाइस हम रेडी हो गए, अभी चल रहे हैं गोकर्णा टेम्पल सीधा। यहाँ से पहले जाना है अपनी पार्किंग से स्कूटी निकालनी है, फिर वहाँ से गोकर्णा टेम्पल। गोकर्णा टेम्पल के सामने है गोकर्णा बीच। तो आज मोस्टली हमारा पूरा दिन गोकर्णा बीच और गोकर्णा टेम्पल में बीतेगा। हम सोच रहे थे पैराडाइज जाने का, बट जस्ट वो अपोजिट पड़ता है, इस साइड गोकर्णा बीच और फिर इस साइड पड़ेगा हमें पैराडाइज और हाफ मून, तो इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद ट्रैवल करके आना क्योंकि शाम की बस है। तो जितनी मस्ती होगी गोकर्णा बीच पे होगी। अभी चलते हैं सीधा टेम्पल के लिए क्योंकि शॉपिंग करना है हमें वहाँ पे कंपल्सरी, आपको धोती। देख रहा हूँ भाई, देख देख के चलना पड़ेगा, ऐसे भाग के जाऊंगा पता चला सामने सड़क पे आ गया अब तक वो। तो गाइस हम कैप्चर कर रहे थे टाइम लैप, पर आपको इस टाइम लैप में दिखा होगा एक कपल क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने बोला थोड़ा केयरफुली। वैसे कल रात में हम इधर से ही आए थे और कल हमने पूछा भी था वो नारियल पानी वाले भैया से किधर स्नैक उनेक तो नहीं है ना, उतना कह तो रहे थे नहीं है, क्या पता कल भी होगा। कल भी हो सकता है, इतने जंगल है स्नैक तो होगा ही होगा। अंधेरे में थे ना, हमें पता नहीं चल पा रहा था ऐसे घूमते घूमते। ये रही हमारी स्कूटी। अगर आप दो दिन के लिए लेते हो स्कूटी तो आपको फ्यूलिंग के साथ 1000 में आप पूरा गोकर्णा घूम लोगे। 400 की स्कूटी, 200 का पेट्रोल और 50 रुपीज़ पार्किंग, तो 1000 के आस। चलो हम चलते हैं ऊपर, बातें हो गई बहुत। ये है सामने गोकर्णा टेम्पल और ये है गोकर्णा की मार्केट। आपको इस अटायर में आना कंपलसरी है, नीचे लुंगी और ऊपर ये होना है तभी आप मंदिर जा सकते हो, ऊपर टी शर्ट वी शर्ट पहन के मंदिर नहीं जा सकते। तो ये आपको पास की शॉप में मिल जाएगी, 60 से स्टार्ट है लुंगी, 60 to 100 तक की, और ये ऊपर का आपको 50 और 60 दो है, तो ये करके आना है। ये है गाइस गोकर्णा टेम्पल। अलाउड नहीं है अंदर, पहले थे अलाउड पर फिर बाद में उन्होंने ड्रेस कोड फॉलो करना या फिर और जो रूल्स है नहा के आना वो सब रूल्स उन्होंने तोड़ दिया, तो इस वजह से उनको अलाउड नहीं किया जाता है। सिर्फ इंडियंस अलाउड हैं और ये अटायर होना चाहिए आपका, बाकी और इतने कुछ रूल्स नहीं है। फ़ोन अलाउड मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर बिल्कुल भी, स्विच ऑफ करने को बोलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए जस्ट मंदिर के सामने, मेरे पीछे देखो मंदिर दिख रही होगी और उसके बाद सामने यानी कि 50 मीटर्स पे प्रसाद आपको मिल जाएगी खाने के लिए। ये एक जगह है 12 बजे से 2 बजे तक, शाम के 7:30 से 8:30 तक मिलता है यहाँ पे प्रसाद। किधर मिलेगा प्रसाद भोजन? स्ट्रेट और बड़ा हुआ है ना। ओके 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 थैंक यू। सो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे आके आप प्रसाद ले सकते हो, बट थोड़ी अभी भीड़ है इसलिए हम जा रहे हैं वापस स्कूटी लेके बीच की तरफ, वहाँ पे जाके कुछ स्नैक्स करते हैं क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं थे मंदिर आने के चक्कर में। संतृप्ति साइड टेंपल है जो मैंने दिखाया और साइड बीच है, ये गोकर्णा का मेन बीच है गोकर्णा बीच। एक ही रेस्टोरेंट है यहाँ पे वो भी वेज। स्टेडियम जाके चिल्लाना उसमें भी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। देखो 15 रुपए में माही भाई का ऑटोग्राफ मिल गया बताओ। तो गाइस ये है इनका मेन बीच, यहाँ पे राइट साइड में पेड पार्किंग है, आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हो। गोकर्णा बीच वहाँ पे कैमल राइड हो रही है, हम भी करेंगे जाते वक्त। इस साइड पे फेरीज हैं आपको लेके जा सकते हैं ट्रिप पे, पर अभी शायद टाइड्स की वजह से जा नहीं रही क्योंकि एक भी फेरी नहीं दिख रही मुझे कहीं भी। बस इस पहाड़ के पीछे हमारा होटल कुडले बीच जो हम बात कर रहे थे, कल हम वहाँ से कहीं भटकते हुए उस साइड से यहाँ को आ गए थे नीचे की तरफ। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, इस साइड में मुझे पता नहीं जंगलों में कहाँ है और हमारे पास उतना टाइम नहीं है इसलिए नहीं जा रहे उधर। कहते हैं जब राम जी ने रावण को मारा था यानी कि रावण का वध किया था तो उसका उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो उसके बाद राम जी यहाँ आए थे और ऊपर एक झरना है, उसको पीने के बाद आपके जो भी पाप हैं या जो भी आपने सिंस किए हैं अपनी लाइफ में वो सारे पाप आपके धुल जाते हैं उसको पीने के बाद। तो शायद ऊपर कहीं वो झरना है और वहाँ से मीठा पानी आ रहा होता है। सोचो यहाँ पे समंदर है बिल्कुल खारा पानी है, पर यहाँ कहीं इस जगह पे जो मंदिर सा दिख रहा है उधर पे कहीं मीठा पानी आ रहा होता है। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है पर
अगर मुझे गूगल मैप पे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा वो लोकेशन। आप कभी आओ तो जरूर जाना, थोड़ा टाइम लेके आना। आप अगर गोकर ना आते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 3 दिन सफिशियंट है घूमने के लिए। एक दिन में आप पहाड़ की उस साइड वाले सारे बीच यानी कि कुडले बीच, ओम बीच, हाफ मून बीच और पैराडाइज बीच, ये चारों बीच घूम सकते हो। एक दिन आप गोकर्णा बीच पे एंजॉय करो, पहले मंदिर में पूजा करके आओ, वहाँ पे बैग्स वैग्स रख दो आराम से, रेस्टोरेंट में वो पैसे लेंगे कुछ और उधर रख दो आराम से, आके यहाँ पे मस्ती करो पूरी। यहाँ थोड़ी क्राउड दिख रही है आज वीकेंड है, आप तीसरे दिन घूम सकते हो यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ जो भी आर्टिस्टिक है नेचर में जो बनाया है लोगों ने। एक यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पे शिव जी का स्टेच्यू है, ये सेकंड बिगेस्ट स्टेच्यू है शिव जी का। पहले हम चल रहे हैं कैमल राइड के लिए, क्योंकि गीले कपड़ों में फिर कैमल राइड करता हूँ अच्छा नहीं दिखूंगा। हम चले इस पे। हेलो फ्रेंड, द शेप ऑफ द डेजर्ट। इधर बैठो भाई, इधर है बैठो। अच्छा, तो हम चल रहे हैं इनके साथ, इस वाले कैमल के साथ, क्योंकि इनको दिया गया है अभी रेस्ट। ये है मैंग भाई को लेके, अब हम चले। ओ अरे भाई गजब। ये 150 रुपये की पड़ी हमें, क्योंकि हम सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर आप साथ में आते मतलब पीछे आपके एक और बंदा बैठ सकता था यहाँ पे साथ में। ये हार्डली 50 मीटर्स हैं यहाँ से, जितनी दूर हमारी बाउंड्री होती है क्रिकेट में, उतनी दूर की है ये। तो हम अकेले इसलिए जा रहे हैं ताकि एक बंदा हमारी वीडियो बना सकता है नीचे से, क्योंकि हमारे साथ कोई है नहीं। तो मयंक हमारी वीडियो बना रहा है और हमने मयंक की बना दी वीडियो, फिट फॉर डैट वाला सिस्टम। तो इसलिए एक एक करके गए तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ा हमें, वरना 100-100 का आता है एक कैमल राइड। तो अगर आप पेयर में बैठते हो तो 200, अगर आप किसी अननोन के साथ बैठते हो तो 100 आपको देने पड़ेंगे, 100 वो देगा। पर बहुत छोटा डिस्टेंस है, इनको थोड़ा और लंबा लेके जाना चाहिए। तो गाइस हमारी कैमल राइड हो गई ख़त्म। वे ऐसे क्यों रखते हैं इसको, बांध के क्यों रखते हैं? काटते हैं। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। तो गाइस शॉर्ट्स चेंज, अब हम आराम से जा सकते हैं समंदर में। Bro, what's your name? Samar. Samar, you enjoying? Not enjoying? Come, we'll go that side. देखते हैं ये वाला वेव क्या करता है। ऐसे यहाँ पे भी पानी कुछ खास नहीं है, शॉर्ट्स लेवल पे है यहाँ पे। आगे बहुत ज़्यादा करंट है तो लाइफ गार्ड ने मना किया हुआ है उससे आगे जाने के लिए। ये सोच लो यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं, बस ये पॉइंट खत्म है अपना मस्ती करने के लिए। उधर हैं भैया लोग पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना प्रो लेवल का स्विमर नहीं हूँ भाई। कभी भी कोई बड़ी टाइड आएगी तो इसलिए आगे नहीं जा रहे, बस यहीं तक मस्ती करना है। ये छोटी छोटी टाइड्स ठीक है मजे करने के लिए। तो आज मेरे पूरे फ़ोन में पानी पानी लग चुका है, चलो फ़ोन रख रहे हैं और अब मस्ती करने जा रहे हैं, पूरा कम्प्लीट मस्ती। 2000 years later। हम नहा लिए बाहर के, चलते हैं। दो आदमी का नहाने का था। बीच के सामने ही है ये रहा बीच, और यहाँ पे है बाथिंग पॉइंट। आप सॉल्ट वाटर से निकल के यहाँ पे आके नहा सकते हो। यहाँ भी पानी वैसे खा रहा ही है, सॉल्ट ही है, बट हाँ रेत और वो सारी चीज़ें। एक बार नहाना कंपलसरी है आपका, बाहर निकलोगे तो कोई ढंग की टी शर्ट मिल जाए तो खरीद लेंगे, क्योंकि नहाने में वो टी शर्ट तो गीला कर दिया हमने दोस्त ने। शॉपिंग हो गई हमारी डन, यहाँ से एक टी शर्ट लिया और मैंग भैया ने एक शर्ट लिया टाइट शर्ट। चलो भैया फिर मिलते हैं। यहाँ से सीधा जाना है हमें अपने होटल पे, क्योंकि वहाँ रिसेप्शन पे हमने सामान रखा हुआ था, वो सामान लेके सीधा गोकर्णा में स्कूटी सबमिट करना है और फिर बस के लिए वेट करना है। वहीं पे करेंगे लंच, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और हमने लंच नहीं किया, लंच स्किप हो गया हमारा। तो इवनिंग के टाइम पे कर लेंगे अब लंच बस पे चढ़ने से पहले। बाय बाय टू गोकर्णा। अब हमारी अगली ट्रिप है यहाँ से मैसूर की, जो कि बस की जर्नी है। 900 बस कॉस्ट आई है, नॉन एसी स्लीपर बस, और टाइम ऑलमोस्ट 11 आवर्स यहाँ से। ये थोड़ा अनडिस्कवर्ड सा, थोड़ा रूरल सा एरिया। अब हम जाएंगे मैसूर, जो सिटी है प्रॉपर डेवलप और अर्बन प्लेस। अगर गाइस हमने गोकर्णा बीच पे बिल्कुल मचा दी, बहुत नहाए, बहुत 2 घंटे नहाए, पूरी मस्ती के बाद हम आए अब यहाँ। तो गाइस हम बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं, अभी हमारी बस आने वाली है और यहाँ से मैसूर का सफर शुरू होने वाला है हमारा। तो अब चलते हैं। मैसूर पैलेस है, गार्डन है, टेंपल है, चर्च है, ये सारी जगह हमने अभी प्लान किया हुआ है। सिर्फ एक दिन का ट्रिप है हमारा मैसूर का, अब देखते हैं एक दिन में हम कितना कुछ घूम सकते हैं वहाँ पे जाके।